पूर्णिया के जिला स्कूल में चल रहे राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता के बालक वर्ग का फाइनल बेतिया टीम ने जीत ली है, जबकि पूर्णिया बालक वर्ग की टीम इस प्रतियोगिता में उप विजेता रही। वहीं बालिका वर्ग का खिताब मुंगेर टीम ने जीत ली है। सभी विजेता एवं उपविजेता टीम को शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। जो पूर्णिया के उभरते हुए समीक्षा कि आप लगे रहे परिश्रम कर, विधायक जी हमेशा बच्चों का इसी तरह से उत्साह बढ़ाते रहते हैं खेल की मस्ती में। To be a part of this association, it was fun staying here. We, on behalf of the team, I say it was fun staying here and we enjoyed the whole thing. We share all our credits. We owe all our credits to our ever so dedicated coach Sir Rajiv, and we share our credits with the boys team of our district, Munger. Manali Kumari, जोरदार स्वागत इनका होना चाहिए। धन्यवाद। जोरदार तालियां बजाइए। काफी अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे लिए और हम अपना सारा क्रेडिट अपने कोच सर राजीव को देते हैं, साथ ही हम अपना क्रेडिट अपने ही बॉयज टीम को भी शेयर करते हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है विजेता टीम बनकर, और बहुत ही मजा आया। काफी टक्कर के मैच था फाइनल, उसको जीत कर हम लोग को बहुत खुशी हुई। हमारे कोच बहुत कड़ा प्रैक्टिस कराते हैं हम लोगों को, सुबह में भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और शाम में भी, और इतना कड़ा प्रैक्टिस करते हैं तभी तो उसी का फल हम लोग को मिला आज। हमारे कोच का क्रेडिट किसको देना चाहोगे? इस जीत का क्रेडिट हम अपने कोच को ही देना चाहेंगे। राज्य स्तरीय जूनियर खो खो चैंपियनशिप आयोजन पूर्णिया में 28 से 31 जनवरी तक किया गया, जिसमें पूरे बिहार से 27 टीम ने भाग लिया और इसमें टोटल लगभग 400 प्रतिभागी यहाँ भाग लिए। बालिका वर्ग में फाइनल जो मैच खेला गया उसमें मुंगेर की टीम विजयी रही और उपविजेता में दरभंगा की टीम रही। बालक वर्ग में फाइनल में जो खेला गया उसमें बेटा की टीम ने पूर्णिया की टीम को पराजित किया और पूर्णिया की टीम विजेता रही।